हापुड़ के गोल्ड मार्केट में स्थित एक व्यापारिक कॉम्प्लेक्स में एक मोबाइल शॉप में आग लगने के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया है और समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। धन कमाने के लालच ने कॉम्प्लेक्स के मार्ग को संकुचित किया है और शौचालयों को भी दुकानों में परिवर्तित करके अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है। गोल्ड मार्केट में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है जिसके द्वार गोल्ड मार्केट और गढ़ रोड की ओर खुले हैं। बहुमंजिले इस व्यापारिक कॉम्प्लेक्स में ऊपर नीचे छोटी बड़ी सैकड़ों दुकानें बनी हैं। धन कमाने के लालच में एक दुकान में दीवार खड़ी करके कई दुकानें बना दी गईं। शौचालयों और पेशाब घरों को भी दुकानों में बदल दिया गया है। अवैध रूप से बनाई गई इन दुकानों को 15,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठाया गया है। पार्किंग स्थल को भी दुकानों में बदल दिया गया है। अब खास बात यह है कि बिजनेस कॉम्प्लेक्स में ना तो अब पार्किंग स्थल है और ना ही शौचालय और पेशाब घर। ग्राहक अपने वाहन गोल्ड मार्केट में सड़क पर पार्क करते हैं जिसकी वजह से यातायात जाम रहता है। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण को इस ओर ध्यान देकर अवैध निर्माण को रोकना चाहिए।